हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो की टॉपिक ये व्हाट इज मल्टी टैपिंग सिटी, यानी कि आप ये जो सिटी आप देख रहे हो, देखिए इसमें तीन सिटी है, ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इसमें फर्स्ट वाले सिटी में देखिए एक सिंगल वाइंडिंग है और इसमें दो टर्मिनल है, ओके, और इसमें डबल वाइंडिंग है और इसमें फोर टर्मिनल है, और इसमें तीन वाइंडिंग है और इसमें छः टर्मिनल है। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये जो सिटी की जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, और उसके साथ साथ ये जो मल्टी टैपिंग सिटी का जो बेनिफिट है मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और सबसे पहले चलिए ये जो सिटी किस तरह वर्किंग करता है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सिटी वर्किंग करने के लिए फ्रेंड्स दो चीज़ की ज़रूरत है, ओके, एक जो वाइंडिंग और एक दूसरा जो है कोर, यानी कि मैग्नेटिक कोर। ये हमारा जो है मैग्नेटिक कोर, ओके, मैग्नेटिक कोर में इंसुलेटिंग किया जाता है, इंसुलेटिंग करने के बाद इसमें जो वाइंडिंग की जाती है जो कॉपर तार से, ओके, और ये हमारा जो है एच बी साइड, ओके, यानी कि हाई वोल्टेज साइड, और ये हमारा लो वोल्टेज साइड, ओके, और ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी ट्रांसफार्मर होता है वो सेम, यानी कि उसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ओके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, सपोज इसमें एसी करंट इसमें फ्लो किया जाता है, ओके, जैसे इसमें एसी करंट फ्लो होगा, हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कहता है, जैसे इसमें एसी करंट फ्लो होगा, इसमें जो करंट जैसे ही फ्लो होगा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें क्रिएट होगा, ओके, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस आ जाके लिंक होगा, ओके। ये कैसे लिंक होगा, यानी कि इसमें जो ये हमारा मेटल कोर है, मेटल कोर के ऊपर जैसे आप कॉपर तार से इसमें वाइंडिंग करते हो, ओके, और जैसे इसमें सप्लाई देते हो, और इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह इसमें मूव करते हैं, ओके, पूरा सर्कुलर मोशन में इस तरह मूव करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये साइड में जाके, यानी कि ये जो वाइंडिंग हमारा जो एल बी साइड का जो वाइंडिंग होता है इसमें जाके लिंक करते हैं, और जैसे ही ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये सेकेंडरी साइड में जाके ये जो कंडक्टर हमारा है कंडक्टर के साथ जैसे ही लिंकेज करेगा, और इसमें ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा, ओके। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात बता देना चाहूँगा, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये फिजिकली इसके साथ कनेक्ट नहीं होता है, और जितने सारे सिटी होता है और सिटी फिजिकली, यानी कि जो डायरेक्ट ये जो कंडक्टर, यानी कि प्राइमरी जो कंडक्टर है वो सेकेंडरी के साथ इस तरह जाके कनेक्ट नहीं होता है, और इस तरह जो कनेक्ट होता है, यानी कि फिजिकल जो कनेक्ट होता है ये हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है, ओके, यानी कि ये हमारे सिटी में इस तरह कनेक्ट नहीं होता है, और ये जो भी सेकेंडरी साइड में जो भी ई एम एफ इंड्यूस्ड होता है, और ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से होता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन कारण से ये इसके साथ होता है, ई एम एफ इंड्यूस्ड होता है। चलिए मैं आपको ये जो मल्टी टैपिंग सिटी है इसके बारे में बता देता हूँ, ओके। फ्रेंड्स, ये हमारा मल्टी टैपिंग सिटी है, जैसे कि मैंने बताया था, ये सिंगल वाइंडिंग है, दो तार है, और ये डबल वाइंडिंग है चार, और ये ट्रिपल वाइंडिंग है, इसमें सिक्स वायर इसमें दिया गया है, ओके। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसका जो रेशियो होता है अलग अलग, सपोज ये जो हमारा रेशियो है 300/5, ओके, ये हमारा 300/5 की रेशियो। फ्रेंड्स, जो रेशियो, यानी कि सिटी का जो रेशियो होता है, इसमें दो टाइप का होता है, ओके, 5/5 या फिर 1/1 होगा, ओके, ये दो टाइप का सिटी में आता है, ओके। और ये सपोज ये हमारा 300/5, यानी कि इसमें फुल वाइंडिंग है, ओके, और ये हमारा फुल वाइंडिंग है, इसमें टोटल आप ये हो गया, ये 1:1 और ये 1:2, ओके। अब जैसे ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के साथ आप जैसे ही उसमें कनेक्ट करोगे, यानी कि रेशियो चेक करोगे, आपको 300/5 मिलेगा, ओके। और ये जो हमारा सिटी है, यानी कि इसमें दो वाइंडिंग है और इसमें चार टर्मिनल है, ओके, और चार टर्मिनल में इसमें जो दो, यानी कि इसका जो रेशियो, यानी कि 300 था, इसमें हाफ हाफ डिवाइड हो गया, ओके, यानी कि ये साइड हो गया 150, यानी कि ये साइड हो गया 150 और ये साइड हो गया 150, यानी कि ये साइड हमारा टेपिंग हो गया, ओके, इसे टेपिंग कर देते हैं, ये हो गया 1:1 और ये 1:2 और 1:3, ओके। अगर आप ये साइड में, यानी कि ये 1:1 और 1:2 में आप अगर रेशियो मेजर करोगे, आपको यानी कि 150/5, सपोज ये हमारा 300/5 सिटी है, और आपको ये साइड में आपको मिलेगा 150/5 और ये साइड में आपको मिलेगा 150/5, यानी कि इसमें आपको 300/5, जैसे आप 1:1 और 1:3 में इसमें मेजर करोगे, आपको 300/5 आपको रेशियो मिलेगा, ओके, और 1:1 1:2 में आप जैसे ही मेजर करके आपको 150/5 और यानी कि 1:2 और 1:3 में आप जैसे ही मेजर करके आपको 150/5 मिलेगा, ओके। और ये जो ज़्यादातर हमारे जो टेपिंग वाली सिटी होती है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह जो सिटी होता है, यानी कि इसमें मीटरिंग प्रोटेक्शन और पीएस का कोर होता है, यानी कि प्रोटेक्शन और जो करंट मेजर करने के लिए इसमें लगाया जाता है, ओके। चलिए मैं अभी आपको और जो एक दूसरा सिटी है मैं आपको दूसरी सिटी के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये भी एक देखिए, ये जो सिटी है इसमें तीन वाइंडिंग की गई है, ओके, और इसमें सपोज यानी कि हमारा 1:1 और ये 1:4, ओके, और ये किस तरह काम करता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सिटी है ये 300/5, ओके, 300/5, जैसे आप ये 1:1 और 1:4 में आप जैसे ही लगाओगे, आपको
300 बटा 5 मिलेगा। ओके, और ये 3 भागों से डिवाइड हो गया। ओके, और यहाँ पर आप जैसे मेजर करोगे, यानी कि ये 1:1 और ये 1:2, यहाँ से लेके यहाँ से आपको जो रेशियो मिलेगा आपको 100 बटा यानी कि 5 मिलेगा। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ से लेकर और ये सिटी में जैसे आप मेजर करोगे आपको मिलेगा यानी कि 200 बटा 5। ओके, और ये यानी कि 1:2 हो गया, ये 1:3। ओके, और यहाँ से यानी कि 1:1 से लेके पूरा टोटल सिटी का जो रेशियो अगर आप मेजर करोगे इसमें आपको मिलेगा यानी कि जैसे कि 300 बटा 5। ओके, यानी कि ये यानी कि ये जो हाफ वाइंडिंग का ये हो गया 100, यानी कि ये वाइंडिंग यानी कि ये वाइंडिंग से यानी कि 1:2 से 1:3 से आपको हो गया 100, और 1:3 से 1:4 हो गया आपका जो 100, यानी कि 100, 200, 300 यानी कि आपको टोटल 300 बटा 5। और ये जितने सारे टैपिंग सिटी है ये इस तरह काम करते हैं फ्रेंड्स। ये जो सिटी जैसे कि मैंने बताया, ये जो सिटी और ये जो सिटी हमारा बस बार में यूज नहीं करते हैं, ये जो हमारा सिटी जो ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं यानी कि डिफरेंस रेशियो के हिसाब से मेजर करने के लिए। ओके, यानी कि ये वाला जो सिटी होता है इसमें आपको सेकेंडरी साइड में इस तरह देखने को मिलेगा, यानी कि 1:1 और 1:2, 1:3 और 1:4, यानी कि ये जो 3-4 टाइप का आता है। और आपको जितना टाइप यानी कि आपको जितना टैपिंग चाहिए आपको उतना टैपिंग के हिसाब से आप बना सकते हो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, और फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ज़्यादातर जो यूज होता है यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में दो टैपिंग यानी कि इसमें 2 टर्मिनल 1:1, 1:2 और 1:3 वाला भी होता है, और कभी कभी इसमें 1:4 तक इसमें यूज करते हैं फ्रेंड्स ये जो सिटी। और उसके साथ साथ ये जो हमारे जो प्राइमरी साइड में और प्राइमरी साइड में आपको जो 4 स्टोड होता है, ये स्टोड को भी आप चेंज करके यानी कि ये साइड शॉर्ट करके, ये साइड शॉर्ट करके भी आपको जो डिफरेंट रेंज का जो सिटी मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये जो 132 के का जो सिटी पीटी यूनिट कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और भी फ्रेंड्स ये जो सिटी पीटी यानी कि ये जो सिटी और लाइफ टाइम की सिटी कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सिटी पीटी यूनिट कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप लोग वो लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देखे आपको बहुत कुछ नॉलेज सीखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।